Hey everyone, this is Yashva and welcome to my YouTube channel. आज की जो मेरी ये वीडियो है इट्स ये है स्किन रूटीन के बारे में. तो जब भी मैं नहाती हूँ एंड आफ्टर शावर मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी जो स्किन है वैसे तो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, तो नहाने के बाद मैं अपनी जो हूँ स्किन की जो रूटीन है वो कैसे करती हूँ, मतलब स्किन केयर कैसे करती हूँ. मेरे पास तीन चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ और जो कि बहुत अच्छी हैं मेरे स्किन पे. मतलब मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो उनका फ़र्क अच्छा लगता है. उससे ये होता है कि आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा लेयर होती है, जो मतलब जो धूप वगैरह की वजह से और यू नो डस्ट की वजह से गंदी हो जाती है, तो मैं उसके लिए स्किन रूटीन मतलब स्किन केयर कैसे करती हूँ, क्या मेरी स्किन रूटीन क्या है, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और एंड तक मेरे साथ रहिएगा. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. सो हियर वी गो. सो मेरे पास यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स हैं और ये मैंने दी ऑर्डिनरी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे. मैंने सुना था इसका रिव्यू. मैंने एक दफ़ा अपनी लाइक एक क्लिनिक था वहाँ पे गई थी, अपनी स्किन दिखाई थी, तो दे रेफर मी दीज थ्री प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने कहा था कि अपने मतलब एक हफ्ते में आप दो दफ़ा ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या करें. मेरे पास तो टाइम नहीं होता, इतना नहीं होता है, बट मैं करने के लिए लाइक एक वीक में एक दफ़ा ये ज़रूर करती हूँ. नहाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं तब करूँ. मेरे पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि है, एक है ऑर्डिनरी का है नायासिनमाइड और ये है पीलिंग सॉल्यूशन और ये है कैफीन सॉल्यूशन. तो ये तीनों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ इनको. सो लेट्स गो. ओके, सो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये पीलिंग सॉल्यूशन ऑल ओवर माय फेस. तो इसको अप्लाई करके मैं देखती हूँ. ये मैं पूरे मुंह पे लाइक लगा लेती हूँ फॉर लाइक 10 मिनट्स. आई गिव इट लाइक 10 मिनट्स. मैं 10 मिनट्स लगाती हूँ और उसके बाद लाइक देन आई वॉश माई फेस. और इसके पता बहुत से बेनिफिट्स हैं. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये जो है ना पीलिंग सॉल्यूशन, या आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है ना लाइक जो डेड होती है और जो आपके मुंह पे जिसमें मतलब आप कह लो कि निशान वगैरह होते हैं और कुछ भी किसी किस्म का कोई मतलब कोई मार्क है, कोई मतलब दाने का कुछ भी आपका है ना, तो इससे वो मतलब पील हो जाता है. लाइक इफ़ यू गिव लाइक इसको टाइम देना चाहिए आपको एक दो हफ्ते के बाद. अगर आप अपनी स्किन पे दोबारा देखेंगे तो वो मास्क आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि वो रिमूव हो चुका होगा. तो इसका मतलब स्लो प्रोसेस है बट इट इज़ रियली इफेक्टिव. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ. और ये लाइक मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसको हो गया है लाइक 5-6 महीने हो गए हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास जब मैंने अपना मुँह का वो करवाया था, मैंने क्लिनिक से अपनी जो स्किन दिखाई थी, उन्होंने जब मेरा यूज़ किया था तो उन्होंने मुझे कोई थोड़े से अपने प्रोडक्ट्स दे दिए थे कि ये आप यूज़ करो अनटिल आपके आ नहीं जाते ऑनलाइन जो आपने ऑर्डर करवाएंगी. तो तब तक मैंने वो यूज़ किया था और उसके बाद मुझे लाइक इसका रिजल्ट अच्छा लगा था तो मैंने लाइक बाय कर लिए थे. तो वो वाले तो मेरे ख़त्म हो गए हैं तो मैं अब ये वाले यूज़ करती हूँ. सो आफ्टर पुटिंग दिस ऑन योर फेस आपको लाइक 10 मिनट्स का इसको टाइम देना होता है. तो व्हाट आई डू इज़ मैं अपनी नेक पे भी लगा लेती हूँ क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो आपके फेस पे है लाइक जो मतलब फेस और जो स्किन गर्दन है नेक है वो लाइक आपका डिफरेंट ना मतलब कलर आए उसका. तो मैं यूज़ करती हूँ ये नेक पे भी और देन ऑन माई फेस एज वेल. तो मैं इसको 10 मिनट्स लगे रहने दूँगी और उसके बाद लाइक फिर मैं इसको वॉश करूँगी. ओके, तो मैंने अभी अपना मुंह वॉश किया है आफ्टर लाइक 10 मिनट्स. तो मैं अपने मुंह को, कोई भी आपके घर पे टॉवल है तो उसे लाइक अपना मुंह ज़रा सॉफ्ट कर लो क्योंकि अभी फिर हमने एक दूसरा सॉल्यूशन दोबारा से यूज़ करना है आफ्टर दिस पीलिंग मास्क. तो यस, सो आफ्टर आई वॉश माई फेस पील ऑफ मास्क से मैंने अपने मुंह पे अब लगाया है कैफीन सॉल्यूशन. इससे लाइक ये होता है कि आपकी स्किन पे जितनी भी रेडनेस होती है
और ऑब्वियसली पील ऑफ मास्क के बाद आपके स्किन पे काफी ज्यादा रेडनेस आ जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, पफिनेस होती है, ये उन सब चीजों को ट्रीट करता है। और ऑब्वियसली जो पील ऑफ मास्क है वो थोड़ा सा आपको आपकी स्किन को बर्न करता है, उससे लाइक इट्स टोटली फाइन और इससे लाइक कुछ भी नहीं होता। और ये जो है आपकी स्किन को स्मूथ करती है और जो रेडनेस है, पफिनेस है आपके जितने भी फेस पर, उस चीज़ को ख़त्म करती है। तो इसलिए मैं पील ऑफ मास्क के बाद ये वाला कैफीन सॉल्यूशन ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ और इसको भी मैं 10 मिनट लगे रहने दूंगी एंड आफ्टर लाइक 10 मिनट्स मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। ओके, सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ वॉशिंग फेस। आप किसी भी मतलब जिस तरह आप नॉर्मली अपना फेस वॉश करते हो वैसे ही आपने फेस वॉश करना है, बट आपने सोप यूज नहीं करना है। अच्छा, तो अब मैंने अपना ये जो कैफीन सॉल्यूशन है इसको मैंने लाइक अब उतारा है, तो ये मैं लास्ट में यूज करती हूँ और इसको लगा के लाइक मैं कुछ देर लाइक जब तक मैं नेक्स्ट फेस अपना वॉश नहीं करती हूँ तो इसको मैं लग रहने देती हूँ अपने फेस पे। सो दैट्स इट, ये मेरी थी स्किन रूटीन जो कि मैं नहाने के बाद वीक में एक दफा यूज कर लेती हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो, दैट्स इट माई स्किन केयर रूटीन और ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।